कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं गैस लाइटिंग की, गैस लाइटिंग कैसी होती है। चलिए मैं आप लोगों के साथ इस कंसेप्ट को सिंपल करने के लिए आज कुछ एग्जांपल्स शेयर करती हूँ, स्टोरिकल वे में शेयर करते हैं ताकि आपको समझना बहुत आसान हो और आप और आपके फैमिली मेम्बर या बच्चे भी समझ पाएँ कि व्हाट इज गैस लाइटिंग। I'm Libika Butul. I'm a Muslim inspirational speaker, trainer, coach and entrepreneur. How are you? I'm fine aur umeed karti hu ki aap sabhi Allah ke fazl o karam se bilkul theek thaak honge. Today we are going to talk about some examples of gaslighting. मैंने पीछे कुछ वीडियोस बनाए जिसके अंदर मैंने आपको बताया गैस लाइटिंग क्या होती है, कॉमन टैक्टिक्स क्या होते हैं, की करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गैस लाइटर के, एंड और भी मैंने वीडियोस बनाए जिसके अंदर मैंने आपको इसके हवाले से अवेयर किया और बताया कि कैसे आपने इसे ख़त्म करना है या कैसे आपने इसे डील करना है। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ चंद एग्जाम्पल शेयर करने जा रही हूँ गैस लाइटिंग की, कि ये कैसे हो सकती है, किन किन जगहों पर हो सकती है, या एक जो गैस लाइटर है वो क्या क्या बातें बोलता है कॉमनली, ठीक है, ताकि आप जो है उसके सिम्टम्स से पहचान सकें और अपनी ज़िंदगी के अंदर गेस कर सकें और अपने आप को एक हेल्दी लाइफ गुजारने के ऊपर कह लें डाल सकें। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे उन चंद एग्जांपल्स के बारे में जो कि आपको गैस लाइटिंग को समझने में आसानी जो है क्रिएट करेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये बात तो आप जानते होंगे, गुस्सा, खुशी, गम तो ज़िंदगी का हिस्सा है एंड ये नॉर्मल फीलिंग्स हैं ज़िंदगी के अंदर होती हैं लोगों को, ठीक है। लेकिन अब यहाँ हम एग्जांपल के अंदर लेके जाते हैं, अगर एक इंसान को रोना आ रहा है किसी चीज़ के ऊपर, वो किसी चीज़ पे या दुखी है, वो अगर जाके अपने कहें किसी से शेयर करे जो कि एक मैनिपुलेटर हो, ठीक है, किसी से शेयर करे और वो कहे कि मतलब अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे कि उसे दुख हुआ, या अगर वो रो भी दे तो उससे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी और आगे उससे बंदा बोले तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हर चीज़ को इमोशनली लेती हो, अरे हर चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, इतना ना किया करो, समझ आई तुम्हें। तो अब अगर उसने आगे से ये रिस्पॉन्ड किया तो एक जो विक्टिम है या फिर जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना है तो उसे क्या लगेगा, उसे यही हो सकता है लगे कि मैं ओवर रिएक्टिंग कर रही हूँ, हाँ शायद इतना बड़ा तो किस्सा हुआ नहीं था, मैं शायद ओवर रिएक्टिंग कर रही हूँ, शायद मुझे इतना रोना नहीं चाहिए था, मुझे कुछ हो गया, पता नहीं क्या हो गया। दिस इज़ गैस लाइटिंग। ओके, यानी कि एक शख्स जो है अपनी फीलिंग्स अगर शेयर करने आया और वो हर्ट है या फिर अगर कोई भी मतलब ऐसी चीज़ हुई है और आगे से उसे बंदा कहे कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, तो हो सकता है कि वो आगे वाला बंदा जो है समझ ले और उससे कहे कि या आई एम ओवर रिएक्टिंग, आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ गैस लाइटिंग। और यानी मतलब बार बार यकीन दिलाने की कोशिश करे कि तुम्हारे साथ ही प्रॉब्लम है, तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो इसलिए तुम्हें हर चीज़ जो है ना चुभती है, तुम ना थोड़ा बनो, थोड़ा स्ट्रांग बनो ताकि ये चीज़ें तुम्हें हर्ट ना करें। स्ट्रांग बनना एक अच्छी चीज़ है, इमोशनली इंडिपेंडेंट हर लड़की हर इंसान को होना चाहिए, ठीक है, खुशी या गम दुनिया का और सॉरी ज़िंदगी का हिस्सा होता है। सो अगर आपको इसके ऊपर भी मतलब कि ये सुनने को मिले यू आर टू सेंसिटिव, ओवर रिएक्ट मत करो, ये ना करो, वो ना करो, तो ये एक्चुअली मेनली ये चीज़ गैस लाइटिंग में आती है। क्योंकि अगर एक नॉर्मल इंसान अगर अपना एक दर्द दिल किसी के साथ शेयर करने आया है, अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ किसी के साथ शेयर करने आया है और आगे से उसे ये रिस्पॉन्स मिले कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, तो उसे ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा। तो उस इंसान को चाहिए कि वो जो है दूसरे को दूसरी की तसल्ली बने, जैसे कि एक कोट भी है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, तो इंसान जो है दूसरे का दर्द बांटने के लिए आया, जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की भलाई के लिए पैदा किए गए हो, ठीक है। तो एक इंसान और स्पेशली एक मुसलमान जो है दूसरे की मदद करता है, दूसरे की खुशी में और दूसरों के गम में उनका साथ देता है, ठीक है, तो ये होगी पहली एग्जांपल। अच्छा, जैसे मैंने पहले अपनी वीडियोस में बताया था कि गैस लाइटिंग सिर्फ एक रिलेशनशिप में नहीं हो सकती, हो सकता है बहुत सी के अंदर हो, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि बच्चों के अंदर हो सकती है, सिबलिंग्स के अंदर हो सकती है, माँ बाप के अंदर हो सकती है, माँ बाप और बच्चों के अंदर हो सकती है, हस्बैंड वाइफ के अंदर हो सकती है, एंड इवन ये बाहर भी हो सकती है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ के अंदर हो सकती है, एंड यू नो मालिक नौकर के अंदर हो सकती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं, बहुत से लोगों के अंदर हो सकती है। अब एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आप जो है एक कंपनी में जॉब करते हैं और आपके मैनेजर ने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी कि इस तरह ये करना, और बाद में जो है आपका मैनेजर डिनाई कर दे कि नहीं मैंने तो तुम्हें कहा ही नहीं था, यू आर जस्ट इमेजिनिंग थिंग्स, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे तुम्हें, तुम्हें तो बस सब कुछ विजुलाइज कर लिया खुद ही, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, हालांकि अगर उसने कहा भी हो, ठीक है, अगर उसने कहा तो आगे से अगर वो कहे कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, तुम बस जो ये चीज़ें सोच रहे हो, और हो सकता है कि आप उस पर बिलीव करना शुरू कर दो, हाँ यार शायद मैं सोच रहा हूँ सर ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, ठीक है, तो ये चीज़ जो है आ जाती है इसके नए। अब देखें
गैसराइटिंग के अंदर झूठ आ गया ना, तो झूठ भी इसके अंदर मेन फैक्टर आता है। और इस्लाम के अंदर एक मोमिन जो है वो तो झूठ बोलता ही नहीं है, ठीक है। तो ये इसका एक और फैक्टर या एक और एग्जांपल आ गई कि आप मैनेजर ने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और आप आगे से कहो कि सर आपने मुझे दी है, देखिए मैंने उसके वाले एक्सेल शीट बनाई है प्रॉपर, आपने मुझे ये फॉर्मूला लगाने को कहा था, ये देखिए मैंने बिल्कुल बना दिया। और आगे से कहो मैंने तो तुम्हें ये कब बनाने को कहा था, मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया, नहीं जी तुमने ऐसा कुछ खुद ही कर दिया है, तुम इमेजिन कर रहे हो थिंग। तो ये होता है गैस लाइटिंग। तो फिर क्या होगा, वो ऑफिस से अपनी रियलिटी को क्वेश्चन करेगा ना, जो एम्प्लॉय है वो अपनी रियलिटी को क्वेश्चन करेगा ना कि ये क्या हुआ मेरे साथ, ठीक है। तो क्योंकि ऑब्वियसली आप जानते हो जॉब्स के अंदर कौन किसे अपने बड़े अहदे वाले को जो है डांटेगा या कुछ कहेगा, या मोस्ट ऑफ द लोग तो खड़े भी नहीं होते अपने हाथ के लिए। लेकिन अगर, और ऑब्वियसली हम समझते हैं, मतलब एक नॉर्मल इंसान समझता है, ये उसकी सोच होती है कि अगर मुझसे कोई बड़ा आदमी अहदे के अंदर या किसी चीज़ के अंदर मुझसे कुछ कह रहा है तो वो बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, उसके अंदर गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। हालांकि ऐसे भी हो सकता है कि हमसे बड़े लोग भी जो है कभी कभार गलत निकल आए। हाँ ये ज़रूर है कि रिस्पेक्ट ज़रूर होनी चाहिए, या फिर आप जो हो उसको समझो, सिचुएशंस को ज़रूर समझो, जहाँ वो सही है उन्हें सही कहो, लेकिन जहाँ गलत है उनको गलत भी कहना चाहिए, ठीक है। सो हम जो है बात कर रहे थे सेकेंड एग्जाम्पल की, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कि आपका एक दोस्त है और वो एक जोक मारता है आपकी बॉडी शेमिंग के ऊपर, या आपको वैसी रेसिज्म के ऊपर एक जोक मारता है कि तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, और आगे से आप अगर उससे गुस्से पेश आओ कि ये क्या बात हुई तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा, तुम पागल हो, मैंने जोक बोला था, तुम लोग तो ना जोक भी नहीं ले सकते, ओवर सीरियस हो जाते हो यार, जोक को तो जोक की तरह ले लिया करो, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ही है, तुम कभी भी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हो, या तो कभी किसी जोक को समझ ही नहीं पाती, यू कांट अंडरस्टैंड जोक्स, यू नो दिस इज ऑल्सो गैस लाइटिंग। कि एक इंसान को उसकी नेचर पे, उसके ऊपर क्वेश्चन करने पे मजबूर करना, हालांकि आप गलत काम कर रहे हो, ठीक है। तो अगर ऑब्वियसली बॉडी शेमिंग के ऊपर कोई जोक नहीं होना चाहिए, एंड रेसिज्म के ऊपर बहुत बुरी बात है कोई जोक करना, ठीक है। तो इसीलिए फिर वो जो आगे अपने आप को कहने कन्फ्रंटेशन से बचाने के लिए, या फिर कभी कभार वो जो है स्पेसिफिकली जो है जानबूझ के ही कर रहे होते हैं, तो वो क्या करता है, तो फिर ये चीज़ें बोलते हैं और जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, या फिर दूसरे को जो है बुरा फील कराने की कोशिश करते हैं। तुम ये ऐसे हो, तो मैं जोक नहीं लेना आता, एंड आई नो के मुझे बहुत से लोग बताते हैं एक्चुअली कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा हुआ, लोग या फ्रेंड्स या फैमिली ऐसे जोक मारते हैं और उन्हें लगता है बहुत मजे की चीज़ें, हालांकि हमारी जिंदगी के सबसे बड़ी इनसिक्योरिटीज़ को ऐसे मजाक में बता देती हैं, और हमें इतना दुख होता है अंदर से कि ये हमारी ज़िंदगी एक मजाक बन के रह गई है, या फिर वो हमारी बॉडी शेमिंग ऐसी कर देते हैं, या फिर वो हमारे कलर के ऊपर बात करते हैं, तो काली है ये तो गोरी है ऐसे करके बात करते हैं, तो लोग बताते हैं कि कितना ज़्यादा बुरा फील होता है। एंड ऑब्वियसली किसी की इनसिक्योरिटीज़ को लेकर जोक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसको उनको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करनी चाहिए। जैसे अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की भलाई के लिए किए गए हो, ओके। सो एक ये एग्जाम्पल होगी, एंड अगर आपने किसी के साथ ऐसे किया तो आई एम सॉरी, बट आप जो हो आपको अल्लाह से सबसे पहले माफ़ी मांगनी चाहिए, एंड देन उस दोस्त से या उस शख्स से माफ़ी मांगनी चाहिए जिसके साथ आपने ऐसा किया, क्योंकि ये एक बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। और जब आप उसके शूज़ में जाके खड़े हो, जब आप उसके वहाँ जाके सोचो, तब आपको हो सकता है, यकीन तो नहीं लेकिन हो सकता है आपको समझ आए, ओके। सो ये थर्ड एग्जाम्पल होगी। देन एक चीज़ जो है बहुत से लोग एक्सपीरियंस करते हैं, एंड बहुत से लोगों के साथ हो सकता है ये बात कनेक्ट हो भी जाए, क्योंकि आई एम सॉरी टू से बट बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जिनको पेरेंटिंग आती ही नहीं है, जिनको अपने बच्चों की तरबियत करना आती ही नहीं है। और मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले जिन्होंने हमेशा समझा और मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया और गाइड किया मुझे, मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। लेकिन वो बच्चे जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ हो, जिनके पेरेंट्स जो हैं बिल्कुल उन्हें निगलेक्ट करते हो या फिर अब्यूसिव बिहेवियर हो, तो वो उनकी ज़िंदगी कैसी होगी आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ मुझे बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले, एंड जब मैं लोगों की काउंसलिंग कोचिंग करती हूँ तो इतने किसी ज़्यादा है कि हम आपको क्या बताएं। तो अब मैं आपको थोड़ी एग्जाम्पल देने लगी हूँ कि एक इंसान, एक बच्चा जिसकी ज़िंदगी या जिसके बचपन जो है वो निगलेक्शन में गुजरा हो, कि उनके माँ बाप ने उन्हें बिल्कुल टाइम ना दिया हो, बुरा भला का हो, या अब्यूसिव बिहेवियर रहा हो माँ बाप की तरफ से, और बड़े होकर जब वो एक दफ़ा बॉटल अप होकर कंप्लेन करे एक दफ़ा अपने पेरेंट्स को कि आपने मुझे बचपन में बिल्कुल निगलेक्ट रखा, आपने मुझे लाइफ स्किल्स नहीं सिखाई कभी, आपने मुझे ये नहीं किया, मैं हमेशा अकेला फील करता था, तो हो सकता है पेरेंट्स आगे से ये कहें, और मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, आई एम सॉरी टू से अगर आपको हर्ट हुई, बट ये बिटर ट्रूथ है, ये कड़वा सच है। तो आगे से माँ बाप कहें कि नहीं
हमने क्या किया था, तुम ही ऐसा समझते हो हमने तो अपने सारे बच्चों को इक्वली प्यार किया, या फिर तुम ही ऐसा समझते हो हमने तो कभी तुम्हें निगलेक्ट नहीं किया, तुम ओवर हो रहे हो, समझ आई ना। तुम सारा ठीक चीज़ें सोचा करो, ठीक चीज़ें सोचना ऑब्वियसली चाहिए, बट अगर किसी के साथ गलत हो रहा है और उसके साथ इंसाफ ना करना, हक के साथ खड़ा ना होना, ये बहुत बुरी बात है। जी हाँ, और अल्लाह ताला भी यही फरमाते हैं कि हक के साथ खड़े हो जाओ, डट जाओ हक के ऊपर, और हमें हक के ऊपर डट जाना चाहिए। तो जिनके साथ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुए हों और उनके पेरेंट्स या उनके जो पार्टनर्स हों या उनके जो फ्रेंड्स हों जिन्होंने भी वो ट्रॉमा कॉज किया हो, वो अगर उसको डिनाई करें और कहें तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो, हमने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया, तो वो भी एक गैसलाइटिंग में चीज़ आ जाती है। क्यों? एक तो आप बिल्कुल एक फैक्ट को डिनाई कर रहे हो जो कि झूठ में आ जाता है, ऊपर से आप अगर उसको प्रॉपर जोर के साथ बताओगे और उसको बहुत बड़ी चीज़ बना के बता दोगे कि तुमने ऐसा सोच रहे हो, हमने तो क्या गलत की, हम तो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, हमने क्या गलत किया हो सकता है, या फिर तुम ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है कि इंसान उस पर बिलीव करना शुरू कर दे। सो प्लीज़ जो है, ये मैंने आपको चंद चार एग्जाम्पल्स दिए हैं गैस लाइटिंग की, जो कि चारों दर्दनाक है, कोई भी इस कर से मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी शेयर करते हुए भी, और हो सकता है आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको आंखों के सामने वो वाक़ात आ गए हों जिसके अंदर लोगों ने ऐसी चीज़ें की हों जो कि बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। क्या है इसके अंदर? झूठ बोला गया, मैनिपुलेट किया गया दूसरों को, या क्या कह लें आप, दूसरों का मजाक उड़ाया गया इसके अंदर? क्या ये कोई अच्छी चीज़ है? आप मुझे बताएं क्या हुआ और इसके अंदर? दूसरों को कंफ्यूज किया गया, उन्हें सेल्फ डाउट में डाला गया, वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन में जाएंगे इससे। आपका बच्चा अगर है तो वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरेगा, उसकी ज़िंदगी भर उसी चीज़ें वो झेलता रहेगा। जी हाँ, यानी कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर वो हैप्पी लाइफ लेडी से कांटेक्ट नहीं करती, लेडीज जो कि इन चीज़ों से गुजर रही हैं, तो उनकी ज़िंदगी हो सकता है कि आगे सही से ना गुजरे। क्यों? क्योंकि ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस जो हैं आपको ट्रॉमा ही देंगे। ये नहीं हो सकता है कि कभी आप कांटे को हाथ लगाएं और आपको जो है फूल वाली फील आए, नहीं, आपको कांटा ही चुभेगा। तो इसीलिए उन चीज़ों को जो है हमें ख़त्म करना, और आप हैप्पी लाइफ लेडी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड मैनिपुलेशन, मैं क्यों बार बार कह रही हूँ मैनिपुलेशन बुरी है, शायद आपको लगे कि लबीका ज़्यादा करिए, बट नो, मैं ज़्यादा नहीं करी, और जितना ज़्यादा मैं कहूँ उतना कम है, क्योंकि आज की जनरेशन के अंदर अनफॉर्चुनेटली बच्चे ये समझते हैं कि झूठ बोलने में कुछ नहीं है, अमानत पे ख्याल करने में कुछ नहीं है, हम मैनिपुलेशन करेंगे, दुनिया फतह करेंगे, दूसरों के ऊपर जो है ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, वो हमें चीज़ें दे देगा, इसमें क्या है हमारा फ़ायदा है। हमें अनफॉर्चुनेटली लोगों की, बच्चों की स्पेशली ये सोच बन चुकी है। एंड मैं अपना पेरेंट्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे सही वैल्यूज़ दी, सही बिलीव्स दिए, जिसकी वजह से मुझे आज ये चीज़ें खुद मैं सोचती हूँ तो मुझे गलत लगता है। और अपने बच्चों को भी ये कॉन्सेप्ट दीजिए और उन्हें बताएं कि क्या करना है क्या नहीं करना, हक के साथ डट जाओ, ठीक है, ये भी उन्हें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने गैस लाइटिंग कभी की है तो अल्लाह ताला से प्लीज़ माफ़ी मांगिए, और उन शख्स से भी माफ़ी मांगिए जिनकी ज़िंदगी आपने अजाब बनाई है। एंड ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे भी इसके ऊपर चल रहे हैं या आप खुद चल रहे हैं ना, तो ये आप जान लीजिए, अपने दिमाग में बात बिठा लीजिए, शायद आपको बहुत कड़वी लगे मेरी बात, लेकिन उन लोगों का जो अंजाम होता है बहुत इबरतनाक होता है, दूसरों की ज़िंदगियों का अजाब बनाने का अंजाम भी बहुत इबरतनाक होता है। और मैनिपुलेशन तो चार पाँच बहुत बड़े गुनाहों का कम्बिनेशन है, जिसके ऊपर मैंने बहुत अच्छी तरह डिस्कशन किया था। सो प्लीज़ सेव योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक करिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।